आज हम लर्न इंग्लिश का लेसन 3 करें। आज का लेसन किसी साउंड से रिलेटेड नहीं है, पर मैं एक बहुत बेसिक बात कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने इतने साल कॉलेज में स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाया, मुझे 36 इयर्स हो गए, और साथ ही साथ मैं कई तरह तरह के लोगों से मिली हूँ, और मैं अक्सर देखती हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन देते हुए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए लोग एक कॉमन वर्ड को यूज़ करते हैं जिसका कि यूज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में गलत है। और क्योंकि आप में से कई लोग इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे एंड जहां पर नोइंग इंग्लिश एंड नोइंग गुड इंग्लिश एक स्किल बन जाता है, वहां इतनी बेसिक सी गलती आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। इसलिए अब हम देखें कि वो वर्ड क्या है। अक्सर लोग अपना परिचय देते हुए कहते हैं माई सेल्फ राम, श्याम, मोहन, सुनीता, अनीता, विनीता, हुएवर, माई सेल्फ विनीता, सुनीता, अनीता, राम, श्याम, मोहन, इस तरीके से। हम कभी भी इंग्लिश के किसी सेंटेंस को माई सेल्फ से शुरू नहीं करते और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते वक्त माई सेल्फ सो एंड सो कहना गलत है। आज हम समझें कि गलत क्यों है। माई सेल्फ एक्चुअली सर्वनाम है, प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन या सर्वनाम दो तरीके से यूज होता है। एक जिसको कि हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं, यानी जोर देते हुए कुछ कहते हैं। मैं कहती हूं कि मैंने देखा, अब मैंने देखा, और दूसरा मैं कहती हूं मैंने खुद ने देखा, मैंने देखा और मैंने खुद ने देखा। इसमें खुद ने जो काम कर रहा है, जोर देने का काम कर रहा है, एम्फसिस देने का काम कर रहा है, माई सेल्फ ये काम करता है। आप कहते हैं आई माई सेल्फ सॉ दिस, आप ये नहीं कहते माई सेल्फ सॉ दिस, आप कहते हैं आई मैंने खुद ने, आई माई सेल्फ, मैंने खुद ने, आई माई सेल्फ। तो खुद ने, तो क्या ये कहना ठीक है खुद ने सुनीता हूं, खुद ने अनीता हूं, खुद ने विनीता हूं, या खुद ने राम हूं, खुद ने श्याम हूं, खुद ने मोहन हूं, या कुछ भी और हूं, कोई भी और हूं। इसलिए माई सेल्फ से अपना परिचय ना दें। दूसरा सेंस माई सेल्फ का, सर्वनाम में ही दूसरा सेंस माई सेल्फ का क्या है? वापस चलते हैं सर्वनाम पर अब हम एम्फैटिक प्रोनाउन नहीं कर रहे जो कि खुदने वाले सेंस में था। अब एक अन्य प्रकार का सर्वनाम जिसको कि इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी मैं गिर गई और मैंने अपने आप को चोट दे लिया, मतलब मुझे, मैंने अपने आप को स्वयं को, ये है माई सेल्फ। दूसरा सेंस आई कट माई सेल्फ वाइल शेविंग, अपने आप को मतलब चोट दे दिया। हिंदी में अटपटा सा लग रहा है पर इंग्लिश में सेंस ये है, मैंने
अपने आप को। फर्स्ट वाले एम्फसिस वाले प्रोनाउन में मैंने, खुद ने, कर्ता ने, कर्ता ने, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कर्म को, कर्ता ने एम्फसिस, कर्म को रिफ्लेक्सिव। तो क्या हम कह सकते हैं खुद को सुनीता, खुद को अनीता, खुद को, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम, आप कह रहे हो माई सेल्फ, खुद को सुनीता हूं, खुद को अनीता हूं, खुद को विनीता हूं, खुद को राम हूं, खुद को श्याम हूं, खुद को मोहन हूं, ये फॉर्मेशन गलत है। आपको कहना चाहिए आई एम, और आगे आप जो भी कहते हैं, तो आगे से माई सेल्फ से सेंटेंस को शुरू ना करें। और विशेष रूप से जब आप अपना परिचय देते हैं तो अगर आप इस तरीके से शुरू करेंगे तो पहला इंप्रेशन ही बैड इंप्रेशन पड़ेगा, इसलिए इस चीज का ध्यान रखा जाए।